नाजरीन, उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। कंपनी न्यूज़ हरनाई में खुश आमदीद। तो जी हाँ नाजरीन, आपको आगाह करते हैं एक और ख़बर से कि जो आडियो लिक्स हुई है उसमें इमरान खान भी शामिल है। इमरान खान की आडियो लिक्स हुई है जिसमें कहा गया है इमरान खान जो है अपने जो उसकी ऑफिस का जो ऑफिसर है उनसे बात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने उसके बावजूद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है और कहा है बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ, आपने मुझे इज़्ज़त दिला दी। इज़्ज़त क्यों, किस लिए दिलाई, इसमें क्या इज़्ज़त होगी कि आपकी ऑडियो भी लीक हो जाए और इज़्ज़त भी हो जाए। वो असल बात है साइफर क्राइम का। साइफर क्या था, वो जो इमरान खान ने कुछ महीनों पहले पर्ची दिखाई थी कि ये ख़त जो है ये मुझे बाहर से आया हुआ है, उसमें जो ख़त लिखा है जो कुछ लिखा गया है वो सिर्फ वो जो है इमरान खान को नहीं बताया गया था, वो जो उनको जो ज़रूरी बातें थी वो छुपाई गई थी जो कि इम्पोर्टेंट हुकूमत के साथ उनकी वो मुंसलिक थी। अगले बात अगली ख़बर से आपको आगाह करते हैं कि इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है जो कि बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, उनका भी चैनल हैक हो चुका है। अब उनको पता नहीं, वो कह रहे हैं कि मालूमात उन्होंने बहुत की, एक बार पहले हैक हो चुका है फिर उन्होंने दोबारा जो उनको वापस करके सही कर दिया, अब दोबारा फिर जो है उनका जो चैनल है वो हैक हो चुका है। अब उससे पता नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि अगर किसी हैकर ने किया तो उम्मीद है इसका रिप्लेसमेंट के वापस हो सकता है। अच्छा आगाह करते हैं आपको हैकर के हवाले से। हैकर के पास जितनी ऑडियोज वीडियोज़ थी उन्होंने जो डिमांड रखा था शायद उनको वो नहीं मिली, तो उन्होंने जुमे का टाइम दिया था कि जुमे दिन तक तुम्हें सब के सब रिलीज़ कर दूंगे ऑडियोज़ या बल्कि अब वीडियोज़ से भी आप डरो कि मैं वीडियोज़ भी जो है वो पब्लिश कर सकता हूँ। उन्होंने जुमे के दिन बताया था, फिर उनमें क्या खास थी, उनमें से वो चीज़ बताई गई थी कि जो इनके अंदर मीटिंग थी जिसमें से मुजरिम वगैरह शामिल है जिन्होंने अपना जुर्माना जो मुजरिम थे उनको बरी कर दिया गया, ये भी शामिल है। उसके अलावा जो फौजी जो मिलिट्री फोर्स है उनके साथ जो मुलाकातें हुई जो रिकॉर्डिंग हुई वो भी इसमें शामिल है, और उसके अलावा जो जजेस की कुछ गुफ्तगू है शहबाज शरीफ वगैरह के साथ या इनकी खुसूसी गुफ्तगू है वो भी इसमें शामिल है, और फिर जो गए हुए हैं लंदन में जो कहाँ पर मुलाकात हुई है जो इसहाक डार को वापस लाना है ये सब के सब रिकॉर्डिंग उसमें शामिल है। यानी हैकर ने धमकी दी कि यार जुमे के दिन होते हैं मैंने सब रिलीज़ कर देना है, अब मुझे न किसी रिश्वत की ज़रूरत है, न मुझे डिस्टर्ब करे, न मुझे कोई फालतू कॉल करे कि आप मुझे जलील करो, बल्कि मैं यही करूँगा जुमे के दिन होते ही मैंने सारे ऑडियोज जो है वो रिलीज़ कर देना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आपको आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।